all of you a heartily welcome back to my channel Tasty Treats and Lifestyle Stories by Shushmita. हर साल की तरह हमने फिर इंतजार किया गणपति पूजा के लिए, तो गणेश जी की पूजा के लिए इस साल मैंने बनाया है गणपति आइडल। हर साल बनाती हूँ, पर मैं हल्दी से बनाती हूँ, पर इस बार मैंने कोशिश की है कि मिट्टी से गणपति जी की प्रतिमा बनाऊँ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और मैंने सोचा है कि हर साल मैं गणपति जी की प्रतिमा खुद ही बनाया करूँगी। तो गणपति जी की प्रतिमा को मैंने बहुत अच्छे से सजाया और उन्हें हमने बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करने के लिए हमारे घर में स्वागत किया। गणेश जी के लिए घर पे हमने बनाया मोदक। मोदक तो कई प्रकार के बनते हैं, पर मैंने कोशिश की कुछ अलग बनाने के लिए, और इसलिए मैंने पापा के लिए बनाया दाल और ड्राई फ्रूट्स के साथ ये बहुत ही टेस्टी मोदक। इसका विधि मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मोदक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले घर पे ही खोया बनाया, जिसके लिए मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर, सैफ्रन इन्फ्यूज्ड मिल्क, घी और थोड़ा सा दूध रूम टेम्परेचर वाला। तो ब्लेंडर जार में मैंने पहले सैफ्रन मिल्क और ये मिल्क पाउडर को डाल दिया है और उसको चर्न करके मैं तैयार कर दूंगी एक लम फ्री सैफ्रन इन्फ्यूज्ड मिल्क पाउडर का मिक्सचर, जो कि हो गया है अभी तैयार। तो ले लेते हैं हम पैन में 3/4 टेबलस्पून घी और उसमें ये सैफ्रन इन्फ्यूज्ड मिल्क पाउडर का मिक्सचर हम डाल देंगे। डाल के हम इसको बहुत ही स्लो हीट में कुक करेंगे। ये मिल्क पाउडर मिक्सचर को हमें तब तक कुक करना है जब तक वो एक अच्छी सी खुशबू ना दे और साथ ही वो पैन को छोड़नी भी चाहिए, शुड लीव द पैन। पैन के तले में जब थोड़ा सा लग जाएगा तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको मिक्स करके कुक करते रहिए। देखिए इतना कंसिस्टेंसी में आपका खोया पहुंच जाना चाहिए। और कुक होने के बाद फाइनली उसमें 1/4 टेबलस्पून और थोड़ा सा घी डाल दीजिए फॉर दैट शाइन, और उसको फिर साइड में रख लीजिए। हमारे प्रोसेस में आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ये केसरी खोया घर पे ही तैयार है। अब मैंने ले लिया है कढ़ाई और उसमें 50 ml घी डाल दिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने लिया है कैशू नट्स एंड आमंड्स। उसको छोटा छोटा बारीक काट लिया था कोर्सली और उसको अभी मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश ना हो जाए। जैसे ही ब्राउनिश हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 tablespoon सूजी। सूजी डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक सूजी से आने लगेगी एक बहुत अच्छी सी खुशबू। जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो मैं डाल दूंगी इसमें बेसन। बेसन बहुत अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट देगी इस डिश को। तो बेसन भी मैंने डाल दिया है 1 tablespoon और उसे भी मैं भून रही हूँ अच्छे से। बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज करे और आने लगे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू। ऐसी खुशबू आती है जैसे जब हम बेसन का लड्डू बनाते हैं, जैसी खुशबू आती है वैसे ही खुशबू आने लगेगी जब बेसन भून जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे मूंग दाल का पेस्ट। ये 60 grams मूंग दाल है जिसको 3 से 4 घंटे हमने भिगो दिया था, फिर वॉश करके स्ट्रेन करके हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अभी हम डाल देंगे और सबको करेंगे हम अच्छे से सौटे। हमें बहुत स्लो हीट रखना है और इसे तब तक सौटे करना है जब तक मूंग दाल अच्छे से कुक हो जानी चाहिए और उसकी जो रॉनेस है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और दूध डालते हुए हम इसको कुक करेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट। वो बहुत अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट देती है, तो आप डेसिकेटेड कोकोनट के जगह यहाँ पर फ्रेश कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने डाल दिया इसमें 2 tablespoon डेसिकेटेड कोकोनट और फिर थोड़ा सा दूध डाल के मैं इसको कुक करे जा रही हूँ और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने इसमें डाल दिया है खोया। जो हमने केसरी खोया प्रिपेयर किया था वो हमने रफली ब्रेक करके डाल दिया है और साथ ही सबको हम अच्छे से कर रहे हैं सॉटे बहुत ही स्लो हीट में। इसे हम तब तक सॉटे करेंगे जब तक सारा फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। नेक्स्ट हमने इसमें डाल दिया है शुगर सिरप जिसमें कार्डमम का फ्लेवर है।
इसमें हमने ले लिया था 70 ग्राम शुगर और 35 ml वाटर। उसको एक स्टिकी होने तक हमने सिरप बनाया है और उसको डालने के बाद ये दाल मिक्सचर विद ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से पका रहे हैं। फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैंने और थोड़ा सा कार्डमम एसेंस इसमें डाल दिया है। मिक्स करके अच्छे से पकाने के बाद फाइनली फॉर द शाइन मैंने इसमें डाल दिया है 2 teaspoon घी। उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था और हैंडल होने के टेम्परेचर जब वो पहुंच गया तब मैंने उसको मोदक मोल्ड में डाल के ये बेहतरीन टेस्टी सा मोदक बप्पा के लिए बना दिया। तो हमारे घर में हमने बप्पा का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनका बहुत अच्छे से पूजन किया है और बहुत ही खुशी का दिन वो था। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे तू कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। माता जा की पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी के पहले वाले दिन की पूजा के बाद शाम को हम निकल लिए सिटी में देखने के लिए कि क्या आयोजन हो रखा है। और देखा मैंने कि बहुत ही अच्छा आयोजन हो रखा है। पूरे सिटी में लाइट्स से सजाया गया था, हर जगह पंडाल्स हैं जहाँ गणेश जी की बहुत अच्छे से पूजा की जा रही है। तो हम थोड़ा सा घूम आए। और एक दिन के बाद बहुत ही भारी मन से हमने बप्पा को विदा किया, लेकिन इस आशा के साथ कि बप्पा अगले साल फिर ज़रूर आएंगे हमारे घर में और हम हर बार की तरह उनका पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोगों ने गणेश पूजा कैसे सेलिब्रेट किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।